हेलो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंदर जो वैकेंसीज निकली है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जिसमें जो कि ये पोस्ट निकली है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंदर वैकेंसीज हैं ये। इसका एड्रेस ये रहेगा डाक बंगलो रोड पटना के अंदर ये अप्रेंटिस की पोस्ट है। इसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है। नोटिफिकेशन की बात करते हैं, नीचे आते हैं। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ओवर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर ये वैकेंसीज है। जो कि ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 10/11/2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये 11 AM से आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और डेट ऑफ इसमें कि आप 9 दिसंबर 2023 5 बजे तक आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर डिटेल के बारे में भी चर्चा करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर इंपेयरिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन द डिजाइनड ट्रेड एट डिवीजन यूनिट इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे अगेंस्ट 1832 स्लॉट। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन मोड। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आप एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल कर सकते हैं। 5 बजे तक डेट यहाँ पर दिया, क्लोजिंग डेट 9 दिसंबर तक आप 2023 5 बजे तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिसमें की बात करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या दिया है। कैंडिडेट शुड नोट एंड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट This is a centralized notification for engagement of Act Apprentice under the Apprenticeship Act 1961. ये जो apprenticeship होती है 1961 Act के तहत होती है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। For Eastern Railway Division, Eastern Railway के अंदर ये vacancy निकली है। East Central Railway के अंदर ये vacancy has been nominated as nodal agency for obtaining online application form. Online application form candidate are preparing of their merit list. Merit list में जो भी application form fill करेगा candidate, merit list में उनके नाम आएंगे। तो merit list will be prepared division. Division के according आपके merit list आएगी। Unit wise and candidate must note that no centralized merit list will be formed. Candidate can submit their application online only RRC official. ये जो official website दी गई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम नोटिस ही पढ़ लेते हैं पहले, बाद में बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। चलिए जूम कर लेते हैं, नीचे आते हैं। अभी क्या दिया है, मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा इसके अंदर, यहाँ पर चर्चा करते हैं। सिलेक्शन फॉर Apprenticeship training will be on the basis of merit list prepared in respect of all candidate who apply against the notice for particular division unit. The merit list will be prepared taking the average of the percentage marks obtained by the candidate in both matriculation with minimum 50% aggregate marks and ITI examination giving equal weightage to the both. आपका जो मैट्रिकुलेशन के अंदर मार्क्स आएंगे और आईटीआई के अंदर, उसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, मेरिट लगाई जाएगी, ये यहाँ पर कहा गया है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट विल बी रिकॉर्ड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट और एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। तो जितने भी मार्क्स टोटल मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया जाएगा। इन केस ऑफ टू कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स, अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम आए हुए हैं उस केस में क्या रहेगा, यहां पर बात करते हैं। तो द कैंडिडेट विद ओल्डर एज शैल बी प्रिफर्ड, जिस कैंडिडेट की आयु या एज ज्यादा होगी उसे प्रिफरेंस दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना, अगर किसी कैंडिडेट के मान के चलिए 71%, दोनों कैंडिडेट के 71% मार्क्स आए हुए हैं और
लेकिन उनकी एज, दोनों में से किसी की एज अगर ज्यादा है तो उसे प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। समझ गए आप, ये पॉइंट यहां पर कहा गया है। मैट्रिकुलेशन एग्जाम एयरलियर, जस्ट ए मिनट, कहां पर थे हम, ओल्डर एज शैल बी प्रिफर्ड इन केस द डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम। अगर दोनों ही कैंडिडेट की एज सेम है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देन द कैंडिडेट हु पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जाम ईयरलियर शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। उसके बाद क्या होगा, उसमें से जिस भी कैंडिडेट ने, उन दोनों कैंडिडेट में से जिस भी कैंडिडेट ने पहले 10th की होगी, उस कैंडिडेट को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। इसके अंदर ये आपको समझ लेना है। कैंडिडेचर ऑफ फाइनली एनलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड बीइंग फाउंड फिट इन अप्रोप्रिएट मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल में जो फिट पाया जाता है उसे सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे समझ लेना है, ये पॉइंट यहाँ पर कहा गया है। ओरिजिनली, क्योंकि देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद ही आपका मेडिकल होगा। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे फर्जीवाड़े से 10th 12th कहीं से कर लेंगे, अपने क्या कहते हैं एज डेट ऑफ बर्थ कम करा के बनवा लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, और किसी भी तरह से अगर वो फेक पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे वो इसीलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ए रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इश्यूड टू ईच एप्लीकेंट कैंडिडेट और एडवाइज टू प्रिजर्व नोटेड देयर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस कॉरेस्पॉन्डेंस विद RRC। आप जब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, वो आपको संभाल के रखना है, याद रखना है, कहीं पे नोट कर लेना, याद तो होगा नहीं क्योंकि बहुत लंबा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो याद करके रखना है। जब जिससे भी अगर साइबर कैफे में आप फॉर्म फिल करा रहे हो या खुद से फिल कर रहे हो तो उसका एक प्रिंटआउट निकाल के अपने पास रख लें। या मैं सबसे अच्छी आपको बात बताऊंगा जिसमें कि क्या है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिल किया है ना, फिल करने के बाद उसे अपनी मेल आईडी पर मेल कर लो। ऐसा होगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर प्रिंटआउट भी निकलवा लिया तो वो इधर उधर हो जाता है, मिस हो जाता है। तो सीधा सीधा क्या करो, अपनी मेल आईडी पर उसको मेल कर लो। जब कभी भी इसका कोई नोटिफिकेशन आता है तो अपनी मेल आईडी पर उसको चेक करते रहो, वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे अच्छा, मैं बेस्ट तरीका मानता हूं। तो यहां पर बात करते हैं नोट फर्स्ट क्या कह रहा है। नोट फर्स्ट देखते हैं, टू अवॉइड लिस्ट मिनट रश, लास्ट मिनट रश, कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सुटेबल बिफोर द क्लोजिंग डेट सो दैट इनकन्वीनियंस ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड ऑन द वेबसाइट ड्यूरिंग द लास्ट डे मे बी अवॉइडेड। यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट, ये एप्लीकेशन फॉर्म अभी ऑनलाइन हुए हैं, क्या डेट दी है देखिए, 10/11/2023 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। अब कैंडिडेट सोचेंगे अभी तो डेट है, बाद में भर लेंगे, बाद में क्या होगा, इसको अवॉइड करें, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें, जिससे कि वेबसाइट के ऊपर ज्यादा लोड हो जाएगा तो वेबसाइट स्लो चलनी शुरू हो जाएगी, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा नहीं जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। तो RRC डज नॉट एक्सेप्ट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डे ऑन अकाउंट ऑफ एफोरसेड रीजन और एनी अदर रीजन। किसी भी रीजन से अगर कोई भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाता है तो इसके लिए RRC रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद से होगी। तो आपको खुद से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। अभी बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है। कैंडिडेट हैव टू चूज ओनली वन डिवीजन, कैंडिडेट को सिर्फ एक डिवीजन चूज करना है या यूनिट चूज करनी है। डिटेल ऑफ डिवीजन यूनिट एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स ट्रेड वाइज आर एज अंडर, नीचे यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, वहां पर हम इसको देखते हैं। तो देखिए फिटर की जो वैकेंसीज रहेंगी, यहाँ पर नंबर वन पर दी है फिटर की वैकेंसी। तो यहाँ पर देखिए फिटर की वैकेंसी दी है, जनरल के लिए 82 है, ओबीसी के लिए 54, एससी के लिए 30 वैकेंसी है, 30, और एसटी के लिए 15 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 20। टोटल पोस्ट यहाँ पर कितनी है फिटर में, 201 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर। तो बहुत पोस्ट है यहाँ पर, आप अप्लाई जरूर करें, रेलवे के अंदर काम करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आपके पास। तो वेल्डर की बात करेंगे, वेल्डर के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पर, 5 जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, और एसटी के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 8 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। मैकेनिकल, मैकेनिक की पोस्ट, डीजल
के अंदर जो पोस्ट निकली है, जनरल के लिए 18 पोस्ट है, यहाँ पर ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कितनी है, 37 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक 32 जनरल कैंडिडेट, ओबीसी 20 पोस्ट है यहाँ पर, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 75 यहाँ पर निकली हुई है। फोर्जर एंड हीट ट्रीटर 12 पोस्ट यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट है और एससी के लिए 3 पोस्ट है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 24 है। तो ये यहाँ पर हो गई पोस्ट। कारपेंटर की पोस्ट की बात करेंगे, 6 पोस्ट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है और एसटी के लिए 0 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 निकली हुई है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पर पोस्ट है 59 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 10 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है, जस्ट ए मिनट, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कितनी है, 142 यहाँ पर पोस्ट है। वो नीचे पहुंच गए थे हम, 142 किसमें है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट यहाँ पर है। तो पेंटर की जनरल जो पोस्ट रही यहाँ पर 5 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है। 7 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर। इलेक्ट्रीशियन की 62 पोस्ट है यहाँ पर, यूआर मींस जनरल कैंडिडेट के लिए 62 पोस्ट है यहाँ पर और ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 1 जस्ट 10 पोस्ट है यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ 146 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। वायरमैन की 13 जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए कितनी है, 7, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मिलाकर के जितने भी डिवीजन है उसके अंदर जो निकली है, ये कहाँ पर है, दानापुर डिवीजन के अंदर ये वैकेंसीज है। 675 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है दानापुर डिवीजन के अंदर ये। अब यहाँ पर बात करेंगे धनबाद डिवीजन के अंदर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है यहाँ पर, 156 धनबाद के अंदर ये पोस्ट है। अभी को ये पढ़ लेना है पूरा, ये इसको पढ़ने इसको नहीं पढ़ने की जरूरत आवश्यकता है, बस आपको इतना ध्यान देना है कितनी कितनी पोस्ट निकली है, कहाँ पर निकली है। और पीटी दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के अंदर, पीटी मतलब पटना, तो 518 पोस्ट है यहाँ पर। जनरल ओबीसी सभी के अंदर, फिटर मैकेनिस्ट और वेल्डर इलेक्ट्रिशियन एमएमटीएम के अंदर पोस्ट है, टर्नर के अंदर वायरमैन की वैकेंसीज है, मैकेनिक की पोस्ट है और रेफ्रिजरेशन और एसी के अंदर है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की पोस्ट है ये, मैकेनिक डीजल के अंदर ये पोस्ट निकली है। टोटल नंबर 518 पोस्ट है, बहुत पोस्ट निकली हुई है, दबा के बंपर वैकेंसीज है समझे। तो सोनपुर डिवीजन के अंदर जो वैकेंसीज है, 47 पोस्ट है सोनपुर डिवीजन के अंदर, यहाँ पे थोड़ी कम पोस्ट है लेकिन फिर भी अगर कोई भी वहां पर उसके आसपास रहता है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करें और रेलवे के अंदर काम करने का सुनहरा अवसर प्रदान करें। अब बात करते हैं समस्तीपुर डिवीजन के अंदर जो वैकेंसीज है, 81 पोस्ट यहाँ पर है समस्तीपुर के अंदर, फिटर के अंदर है, टर्नर वेल्डर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, पेंटर के अंदर है, कारपेंटर के अंदर, मैकेनिकल डीजल के अंदर है और लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर ये वैकेंसीज निकली है। तो आगे बढ़ते हैं, अब है ये प्लांट डिपोर्ट पीटी दीनदयाल उपाध्याय के अंदर पोस्ट, 135 पोस्ट है यहाँ पर सबके अंदर, फिटर की मैकेनिस्ट वेल्डर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिस्ट टर्नर और मैकेनिक एमवी मैकेनिकल डीजल के अंदर ये पोस्ट है और ये रहा कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनोट के अंदर वैकेंसी है, 110 पोस्ट है वहां पर, मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर के अंदर वैकेंसी है, 110 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, बहुत पोस्ट है यहाँ पर, बंपर वैकेंसीज निकली हुई है, धड़ाधड़ भरते रहो जिसको भी भरना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आगे बात करते हैं हम एब्रीविएशन, यूआर का मतलब आप सबको पता है अनरिजर्व्ड होता है, ओबीसी का सबको पता है अदर बैकवर्ड क्लास होता है, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं लेकिन ये बहुत ईजी है, ये सबको पता होता है लेकिन क्या है कि फिर भी आपको याद थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता जो 10th 12th अभी क्वालिफाई करके आए हैं कि ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म क्या होती है। ये तो सबको पता है कि यूआर की नहीं पता होता कई बार कि यूआर क्या होता है, अनरिजर्व्ड, जिसको बोलते हैं इसको किसी भी तरह का कोटा नहीं मिल रहा। तो आगे बात करते हैं इन द परमिसिबल ट्रेड द रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एच आई वी आई एल डी एम डी विल बी 4% का आपको रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप इस किसी भी डिसेबिलिटीज में अगर आप आते हैं इसमें से। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दे रहा है, रिजर्वेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 3% फॉर एक्स सर्विसमैन देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। अगर किसी के पेरेंट्स, किसी के माता या पिता
कोई भी आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर है, जिसमें कि हम बात करेंगे एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस से और एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से अगर रिटायर है कोई भी, उसके पेरेंट्स और बच्चों को कितने परसेंट का कोटा मिलेगा? 3% का कोटा मिलेगा इस वैकेंसी के लिए। तो वो भी इस चीज का ध्यान रखें, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तो फिल करते हैं वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, क्या आपके माता या पिता आर्म्ड फोर्स से रिटायर हैं, तो वहां पे ये ऑप्शन जरूर फिल करें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आर्म्ड फोर्सेस का यहाँ पर। तो बात करते हैं स्लॉट फॉर पीडब्ल्यूडीज एंड एक्स सर्विसमैन आर नॉट सेपरेट बट इंक्लूड इन द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट। तो एक्स सर्विसमैन आर नॉट सेपरेट, चलो आगे बढ़ते हैं। There will be 10% reservation to EWS economically weaker section के लिए, यहाँ पर candidate को 10% का reservation दिया गया है। When the prescribed number of person belonging to the S schedule caste SC candidate are not available, यदि क्या कहा है? Prescribed number of person belonging to the SC candidate are not available, अगर कोई भी candidate SC candidate ने application को fill नहीं किया है, वो available नहीं है, it will be filled by किसमें कर दिया उसने fill? Scheduled tribe candidate, it will be filled by scheduled tribe candidate। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई scheduled caste का SC का कोई candidate अगर नहीं आता है या किसी ने form fill नहीं किया, तो वो vacancy ST candidate को दे दी जाएगी, समझे ना? Candidate, for in case person belong scheduled tribe are not available, अगर scheduled tribe का ही available नहीं है, तो ऐसी situation में क्या होगा? It will be filled by the scheduled caste। अगर scheduled caste का है तो वो filled करेगा इसको, समझे? मतलब दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो SC वाले ST की सीट फुल करेंगे और ST वाले SC की फुल करेंगे, इनमें से कोई भी अगर नहीं आता है। In the prescribed training slot SC ST candidate cannot be filled even in the above given manner। अगर इस परिस्थिति में अगर कोई भी वैकेंसी फिल नहीं होती है, then the training slot so lying unfilled will be filled by person not belonging to the SC ST। अब ये वैकेंसी किसके लिए फिल की जाएगी? अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई भी SC ST कैंडिडेट नहीं आता है या एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करते हैं दोनों में से, तो वो वैकेंसीज जो रहेंगी वो जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट को वो वैकेंसीज दे दी जाएंगी, ये आपको समझ लेना है। कैंडिडेट सिमिलरली दे सीज्ड रिमेनिंग अनफिल्ड By OBC candidate, जो unfilled vacancies रह जाएगी, वो OBC EWS candidate of unreserved category, तो unreserved category OBC EWS उन्हें वो vacancies दे दी जाएगी, वो slot provide कर दिया जाएगा। Note second की बात करते हैं यहाँ पर। Candidate are advised to go through the available training slot given above wise their ITI trade truly and select the division unit accordingly। It should be happen that the candidate select a division unit when there is no training slot recruitment for his her ITI trade। In such a situation the application may eventually become meaningless, moreover candidate are so not allowed to make any changes after the final submission। Moreover, candidate are also not allowed to make subsequently of multiple application as in such an eventually all application shall be summarily rejected। यहाँ पर क्या कहा गया है? कोई एक भी कैंडिडेट एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल ना करें और जो भी डिवीजन आपको दिया जाए वहीं पर अपने ट्रेनिंग के लिए जाए, ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा यहाँ पर, ये देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर बात करते हैं यहाँ पर। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर, 15 साल कंप्लीट कर लिया हो कैंडिडेट ने, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर ऑफ एज, 24 साल से ऊपर, हाँ 24 साल से ऊपर उसकी एज ना उसने पार की हो, तो 24 साल से पहले ही जिस कैंडिडेट की एज है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन relaxable for the following specified category to the extent indicated below। तो आपको रिजर्वेशन क्या मिलेगा, अब इस पे बात करते हैं। 24 साल तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, 15 से 24 के बीच में। अब आपको रिजर्वेशन, अगर कोई कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी से आता है तो उसे 5 साल की छूट मिलेगी, तो वो कैंडिडेट कितने साल तक बढ़ सकता है? 24 और 5,
29 ईयर तक वो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल कर सकता है। वहीं पे बात करेंगे अगर कोई भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से आता है तो उसे 3 साल की छूट मिलेगी, तीन का इन द सेंस 24 + 3 27 साल की एज तक वो कैंडिडेट ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, जिसकी एज जो ओबीसी में आता है वो 27 साल तक ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। वहीं पे बात करेंगे फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है किसी भी कैंडिडेट को तो उसे छूट कितनी मिलेगी, 10 ईयर फॉर यूआर। अगर वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आता है और किसी भी तरह की उसे डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी मतलब अपंग है किसी भी तरह से, सही से देख नहीं सकता, सही से सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता या कोई भी हाथ पैर या डैमेज है, तो उस कंडीशन में उस कैंडिडेट को अगर जनरल कैटेगरी के अंदर वो आता है तो उस कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी, एज में रिलैक्सेशन उसको मिलेगा। और अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी है और किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो उसे 13 साल की छूट मिलेगी, अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी से आता है तो उसे 15 साल की छूट मिलेगी अगर डिसेबिलिटी है। समझे ना, ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। तो रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन द एज विल बी टोटल मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 6 months रेगुलर अटेस्टेड सर्विसेज। मतलब कि उसने, तो ये यहां पर एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है, ये आपको इसको रीड कर सकते हैं। तो चलिए, द कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट फॉर रिजर्वेशन एससी एसटी मस्ट प्रोड्यूस हिज हर सर्टिफिकेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इशू बाई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द एनेक्सियर फर्स्ट। इसका जो एससी एसटी कैंडिडेट जो भी रिलैक्सेशन लेना चाहता है, बेनिफिट लेना चाहता है, तो एनेक्सियर वन यहाँ पर इसे नीचे पेज में दिया होगा, मैं इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। एससी एसटी कैंडिडेट अपना जो भी एससी एसटी सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, एससी एसटी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको वो वहां पर सबमिट करना होगा और ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको वहां पर दिखाने होंगे, ओरिजिनल देखेंगे और फोटोकॉपी जमा करेंगे। सिमिलरली द कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है और वो रिजर्वेशन लेना चाहता है तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा, समझे ना। मस्ट प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रिमिलेयर, आप नॉन क्रिमिलेयर में आते हो समझे, सर्टिफिकेट इशू ऑन और आफ्टर 1/4/2023, ये 1 अप्रैल 2023 से पहले इशू हुआ हो, यानी कि अभी बनाओ 1 अप्रैल से पहले वो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन, वो क्या कहते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट है वो, सॉरी अभी पहले नहीं, उसके बाद 1/4/2023 के बाद में बना हो, आफ्टर लिखा है ना पे आफ्टर, तो 1/4/2023 के बाद में इशू हो। अगर आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी आप उस, अगर आपका पुराना है तो आप अभी अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो समझे, ये डाउट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज पर सैंपल एनेक्सियर सेकंड, ये दिखा देता हूं एनेक्सियर सेकंड क्या है, जस्ट अ मिनट, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, अभी रुकिए। अभी देखते हैं कहां पर है ये, चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले भी हमें ये पढ़ लेते हैं, नीचे इसको चेक करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्या नोटिफिकेशन दिया गया है। सेम क्या रहेगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी रहेगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए क्या रहेगा, देखिए रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कैंडिडेट हु आर नॉट कन्वर्ट covered under the scheme of reservation SC ST OBC non-criminal whose family has gross annual income 8 lakh rupees, यानी कि annual income, सालाना जो उसकी income रहेगी 8 lakh rupees से कम होनी चाहिए तो वो candidate reservation के पात्र रहेगा, तो reservation उसको मिलेगा, वो certificate भी ऐसी तभी बनता है। are to be identified as EWS for benefit of reservation for EWS candidate, EWS candidate के लिए अगर income उसके परिवार की, उसके पापा की, उसके पेरेंट्स की, माता पिता की 8 लाख से अगर कम है सैलरी तो EWS कैटेगरी में वो कैंडिडेट काउंट किया जाएगा। द इनकम सेल आर इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्स से उसकी इनकम जनरेट हो रही है तो EWS में वो तभी आएगा, 8 लाख से कम उसका अगर इनकम है,
तो ही वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए जितना भी जो उसका फायदा होगा वो रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकता है। तो सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, ईटीसी, जो भी इसका बिजनेस है, किसी भी तरह से अगर वो इनकम ले रहा है। फॉर द फाइनली ईयर प्रीयर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, जो भी है पिछले साल में आपकी एनुअल इनकम क्या रही है वो आपको काउंट करके देख लेना है। 8 लाख से कम है तभी आप ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा सकते हैं। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोसीजर ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशू बाई ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। द इनकम असेट सर्टिफिकेट इशू बाई द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज गिवन एन एक्श्योर थर्ड दिया गया है उसका जैसा फॉर्मेट वहां पे दिया गया, इसी फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए। तो शैल ओनली बी एक्सेप्टेड एज कैंडिडेट क्लेम एज बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो यहां पर दिया गया है वो ही फॉर्मेट आपका होना चाहिए तभी आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए काबिल रहेंगे। अभी बात करते हैं यहां पर ए पॉइंट क्या दिया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास, स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजन मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, क्या क्या दे दिया यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये आपको देख लेना है क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ये। अब बात करते हैं आगे। द कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन का अगर कोई भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है और वो लाभ लेना चाहता है एक्स सर्विसमैन का, तो उसके लिए क्या बात रहेगी यहाँ पर। रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड आर्म्ड फोर्सेस पर्सन मस्ट प्रोड्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। एक्स सर्विसमैन जब कोई भी रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको एक डिस्चार्ज बुक मिलती है, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको वो वहां पर देना होगा, प्रस्तुत करना होगा। एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन, अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का कोई बच्चा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कैंडिडेट चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल दे मस्ट प्रोड्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और आर्म्ड फोर्स सर्विस सर्टिफिकेट। एक आर्म्ड फोर्स सर्टिफिकेट बनता है, वो अगर आपने नहीं बनवाया है, कोई भी आर्म्ड फोर्स से अगर रिटायर है तो अपने बच्चों का रिटायर होने के बाद सी एकदम वो अपने आर्म्ड फोर्सेस का बच्चे का सर्टिफिकेट जरूर बना ले, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आप इंडिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं इस एक सर्टिफिकेट की वजह से, बहुत बेनिफिट है। बहुत से माता पिता को ये चीजें पता नहीं होती, तो इसका ध्यान जरूर रखें। रेस्पेक्टिवली एज द केस मे बी ऑफ हिज हर पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि अगर आपने किसी तरह से अगर ये सर्टिफिकेट नहीं भी बनवाया है ना, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ये दे दिया कि आपके पेरेंट्स या आपका बच्चा या आप एक्स सर्विसमैन हैं और आप एक्स सर्विसमैन अपने बच्चे का एक्स सर्विसमैन आर्म्ड फोर्सेस के लिए अपने बच्चे को आप रिजर्वेशन दिलाना चाहते हैं और आपने सर्टिफिकेट नहीं बनाया, तो आपको टाइम भी मिलता है। हालांकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होता है कुछ समय का टाइम देते हैं, लेकिन टाइम के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, सीधे सीधे अभी बनवा लो, अभी बनाओगे तो बेनिफिट आपके बच्चों को मिल जाएगा, ज्यादा भागदौड़ करनी नहीं पड़ेगी, समझे ना, किसी का पैर नहीं जोड़ने पड़ेंगे, तो पहले ही बनवा लो ये चीजें। अभी बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। एन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर देम इज टू बी प्लेस्ड इन द अपॉइंटमेंट अप्रोप्रिएट कैटेगरी वाइज जनरल एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यू एस टू विच ही शी बिलोंग्स एक्स सर्विसमैन देयर कैन देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सन विल बी एंगेज्ड फॉर अप्रेंटिसशिप एज पर प्रिफरेंस ऑर्डर मेंशन बिलो। तो आपको प्रिफरेंस कैसे कैसे दिया जाएगा, यहां पे देखिए नीचे दिया गया है, चिल्ड्रन ऑफ डिजीज डिसेबिलिटीज एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग दोज किल्ड डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग पीस टाइम। अगर किसी के पेरेंट सर्विस के टाइम उनकी मृत्यु हो गई तो उसे उसके बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, और उस कैंडिडेट ने भरा है फॉर्म, ये फॉर्म भरा है उसी को दी जाएगी। चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन सेकेंड नंबर पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, अगर किसी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के कोई बच्चे हैं सेकंड नंबर पर, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी।
थर्ड नंबर पर चिल्ड्रंस ऑफ सर्विसमैन, सर्विंग जवान्स, थर्ड पर प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि अभी वर्तमान में सर्विस पर हैं उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, और चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर फोर्थ नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी अगर किसी के माता पिता ऑलरेडी सर्विस पर है लेकिन ऑफिसर रैंक पर है तो उनके बच्चों को फोर्थ नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी। फिफ्थ नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को, जो भी नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है और रिटायर हो गया उनके बच्चों को फिफ्थ नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये आपको जो क्रम दिया गया है ये आपको समझ लेना है अच्छे से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिक, मतलब 10th पास होना जरूरी है इसके लिए, क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इसके इक्विवेलेंट अगर आपने पास किया तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपने 10th या 12th क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड, इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एंड आईटीआई इन रिलेटिव ट्रेड, आईटीआई जो ऊपर ट्रेड दिए गए हैं उसमें से किसी भी ट्रेड के अंदर अगर आपने आईटीआई की है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, समझे। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिस ट्रेड, नोटिफाइड ट्रेड इशू बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोविजनली सर्टिफिकेट इशू बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, आप सबको बताया आईटीआई जहां से करते हैं तो ये जो संस्थान है ये प्रोवाइड कराती है। पेमेंट ऑफ फीस, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे आप तो उसकी फीस भी आपको सबमिट करनी है, लास्ट में 100 रुपीज फीस रहने वाली है इसकी। पेमेंट कैसे कर सकते हैं आप, पेमेंट विल हैव टू मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे एज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एज अंडर, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है तो ऑनलाइन फीस आपको जमा करनी है, यहाँ पर ये दिया गया है आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी है 100 रुपये। वंस द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट एट RRC ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो दी गई है यहाँ पर www.RRCECR.gov.in पर जाना है आपको, गूगल पे ये टाइप करना है ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, मैंने अभी बताया था आपको। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको। कैंडिडेट विल बी डायरेक्ट टू बैंक पेमेंट गेटवे टू मेक पेमेंट, डायरेक्ट आपका पेमेंट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। वंस द पेमेंट इज सक्सेसफुली डन कैंडिडेट विल बी रीडायरेक्ट टू द RRC ऑफिशियल वेबसाइट, पेमेंट जैसे ही आपकी सबमिट हो जाएगी तो वो डायरेक्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर वो पेज ओपन हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है कि अब हमारा तो पेज फॉर्म ही फिल नहीं हुआ, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, मेन होम पेज के ऊपर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कहा गया है टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डाउनलोड द फील्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके आप अपने पास रख लें या उसकी PDF बना करके अपनी मेल आईडी पर उसको सेंड कर लें। इनके जब भी मेरिट लगेगी तो आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रिंट आउट कहीं मिस भी हो जाता है लेकिन मेल आईडी पे उसको आप PDF को सेंड कर ले। आगे बात करते हैं यहाँ पर, इन केस द कैंडिडेट ट्राइड टू मेक पेमेंट बिफोर एंड कम अक्रॉस सम इशू लाइक लॉस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन ड्यू टू विच द फी अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम देयर अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बट स्टिल अनेबल टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, प्लीज क्लिक ऑन वेरीफाई पेमेंट बटन टू रिकन्फर्म द सेम फ्रॉम द पेमेंट गेटवे। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और लास्ट में फीस सबमिट कर रहे हैं, फीस सबमिट करते हुए किसी भी तरह की अगर परेशानी आती है या इंटरनेट कनेक्शन फेल्ड हो जाता है, किसी भी तरह से अगर आपके अकाउंट से बैलेंस तो कट गया लेकिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ, वहां पे आ गया कि नो इंटरनेट कनेक्शन, इस तरह की किसी भी तरह की अगर कोई सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको, वहां पर एक लिंक लिखा होगा वेरीफाई पेमेंट, तो वहां पर वेरीफाई पेमेंट आपको कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी मांगेगा तो वहां पर वेरीफाई करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आफ्टर एंश्योरिंग द करेक्टनेस ऑफ द पार्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे फी थ्रू द पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन, नो चार्ज, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस जमा करें 100 से ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। एडिट इन द डिटेल एंटायर्ड
इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अलॉटेड देयर आफ्टर, ये बात को आपको समझ लेनी है। द पेमेंट कैन बी मेड बाई यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप कैसे भी इसको आप सबमिट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग जैसे भी आपको करनी है, ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं, समझे। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ई रिसिप्ट विद द डेट एंटर्ड बाई द कैंडिडेट विल बी जनरेटेड विच शुड बी प्रिंटेड एंड रिटर्न्ड बाई द कैंडिडेट। जब आप ऑनलाइन पेमेंट सबमिट कर देंगे ना, तो एक ऑनलाइन पेमेंट की एक रिसिप्ट बन के आएगी, तो वो आप प्रिंट करके अपने पास रख लें, समझे ना। इफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज लॉग इन अगेन। अगर ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होती है, तो उसको लॉग इन दोबारा से करें, दोबारा से अपना फी सबमिट करें, दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। मेक द पेमेंट ऑनलाइन, बस पेमेंट ऑनलाइन करो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अब बात करते हैं फिटनेस के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ डिसेबिलिटीज। ब्लाइंडनेस अगर है किसी भी कैंडिडेट के, कोई मतलब देख नहीं पाता है, तो ब्लाइंडनेस के लिए क्या करेंगे, रेफर टू द कंडीशन वेयर ए पर्सन सफर फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, किसी भी तरह से उसको नहीं दिखता है, विजुअली इक्वली एक्विटी नॉट एक्सीडिंग 6x16 और 20x200 अगर इसका रहता है, तो इन द बेटर आई विद करेक्टली लेंसेस और लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एंड एंगल ऑफ 20 डिग्री, ये आपको पढ़ लेना है। जो भी है लो विजन के लिए कैंडिडेट जो भी रहेगा, हियरिंग रहेगा, किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज है तो ये तो बात की बात है। लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज, सेरिब्रल प्लेसी आ जाएगा, मल्टीपल डिसेबिलिटीज यहाँ पर आ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसेबिलिटीज फॉर रिजर्वेशन कैंडिडेट, ओनली सच पर्सन वुड बी एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन इन पोस्ट हु सफर फ्रॉम नॉट लेस देन 40% रिलीवेंट डिसेबिलिटीज, ये डिसेबिलिटीज आपको पढ़ लेना है। कंपिटेंट ऑथोरिटी टू इश्यू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो भी आपके अंदर डिसेबिलिटी है तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूर पेश करें। अगर आप वहां पर सीधे भी खड़े हो जाओगे ना कि मैं देख नहीं पाता हूँ या सुन नहीं पाता हूँ, तो कोई नहीं मानेगा, सर्टिफिकेट चलता है, सर्टिफिकेट बनवा लेना, समझे ना। कंपिटेंट ऑथोरिटी टू इशू ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक ऑथोरिटी होती है, वहां से जाकर के आपको अपना सर्टिफिकेट बनाना होता है, वो सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, समझे। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये मैंने बता चुका हूँ, www.rrcecr.gov.in पर आपको जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया गया है, बाकी हम बात करते हैं नीचे क्या दिया है। स्कैन फोटोकॉपी, जो भी फोटोकॉपी रहेगी आपको, फोटोज स्कैन साइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपने अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द एलिजिबल स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको SSC मतलब कि आपकी 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट रहेगा, मार्कशीट रहेगी, वो आपको अपलोड करनी है। नंबर वन सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपको अपनी बर्थ जन्म का जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, या अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट के ऊपर ही आपकी बर्थ लिखी होती है, तो वो आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 10th और इट्स इक्विवेलेंट मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ, ये नहीं है तो 10th का चलेगा, सिर्फ 10th का कर देना, वही हो जाए, वही बहुत है, बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो कंसिडर इट मार्कशीट ऑफ ITI फॉर ऑल सेमेस्टर, ITI आपने की है तो ऑल सेमेस्टर की आपको ITI यहाँ पर सेमेस्टर अप्लाइड प्रोविजनली नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो अपलोड करना है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाई NCVT, प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाई द NCVT या SCVT सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं या EWS कैंडिडेट हैं, तो आपको अपना सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड करना होगा, साबित तो करना पड़ेगा ना। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज इन केस ऑफ PWD कैंडिडेट, तो आपको अपना PWD फिजिकली डिसेबिलिटी का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना होगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर एक्स सर्विस मैन है तो वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर दी गई है। तो प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज स्टेटेड अबव एंड आइडेंटिफाई प्रूफ, आधार कार्ड आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए,
ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं ओरिजिनल और उसके साथ फोटोकॉपी दो तीन बना करके ले जाना, और उसके साथ अपना आईडी प्रूफ, कोई भी आधार कार्ड हुआ या किसी भी तरह का कोई भी आपके पास आईडी प्रूफ है तो वो लेके जाना है। कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू अपियर इन द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड और आईडी प्रूफ कोई भी है, इसके अगर ये आप लेके नहीं जाते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, आपको सीधा घर भेज देंगे, समझे। सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी शुड बी अकम्प्लिश्ड बाय द अटेस्टेड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी, इसको छोड़िए समझ में नहीं आएगा आपको। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 9/12/2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा, ट्रेनिंग विल बी अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड स्टिपेंड ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप एट एप्लीकेबल रेट्स एज पर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शंस, रेट आर लाइबल टू चेंज एज पर द रूल एंड डायरेक्शन इशू बाय द रेलवे बोर्ड टाइम टू टाइम। आपको क्या है कि अप्रेंटिसशिप के लिए स्टिपेंड मिलेगा, कितना मिलेगा वो आगे देखते हैं। नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओवर अरेंजमेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड दे विल रिलीज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के लिए आपको किसी भी तरह की हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, अपने रहने की सुविधा खुद से करें, ये सीधा सीधा कहा गया यहाँ पर। अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द डिजाइनड ट्रेन द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विद द एप्लीकेबल रिलेवेंट प्रोविजन। आगे बढ़िए, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप इज टर्मिनेटेड थ्रू फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर इन carrying out the term and condition of the contract as notified under the apprenticeship rule 1992 candidate will be paid apprenticeship completion as prescribed। आगे बढ़ते हैं, medical fitness, fitness तो होनी चाहिए क्योंकि 15 से 24 साल के बीच में बच्चे तो fitness fit physically fit होते ही हैं, तो यहाँ पर help desk number दिया हुआ है, किसी भी तरीके की problem होती है तो यहाँ पर आप phone मिला करके पता कर सकते हैं कोई भी अगर क्वेरी है, जितनी भी क्वेरी है मैंने यहाँ पर इसमें कंप्लीट कर दी है, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कॉल करने की किसी को भी। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई है, पढ़ सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, आई होप जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। तो अप्रेंटिसशिप के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म ये ऑनलाइन हुए हैं, रेलवे के अंदर सुनहरा मौका है काम करने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।